माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष, उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी, अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते। कई फसल बीमा योजनाएं थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसानों के लिए उच्च प्रीमियम थे जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को, किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थी। मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। और केवल मैं इतना बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये फसल बीमा योजना आई, आप तुलना करके देख लीजिए, पहले आवेदन केवल आते थे 3,51,00,000, लेकिन अब आवेदन आए हैं 8,69,00,000, क्योंकि भरोसा है किसानों। नान लोनी गैर ऋणी किसान पहले, क्योंकि किसानों को समझ में आ रही है, केवल 20,00,000 आवेदन आते थे जब इनकी सरकार थी, अब आए हैं 5,48,00,000। कुल किसान आवेदन जब उधर की सरकार थी 3,71,00,000, अब आए हैं 14,17,00,000। और सकल बीमित राशि बढ़ के हो गई है 2,71,295,00,000। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कहानी नहीं है, सच्चाई है। 32,440,00,000 रुपया प्रीमियम किसानों ने दिया है और 1,64,00,000 करोड़ रुपया उनको क्लेम दिया गया है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय भाइयों का भी ख्याल है, भाई इसलिए तो मामा हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्य, अगर नेचुरल कारण से फसल खराब होती है तो वो पूरी की पूरी कवर्ड है और किसान को उसका लाभ मिलता है, और बटाईदारों का भी कवरेज है राज्य सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर। इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर राज्य सरकार सर्टिफाइड करती है तो हम बटाईदारों को भी कवर करते हैं और उनको भी इस योजना में सम्मिलित करते हैं। तो बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र चंदौली जो लोकसभा में हजारों एकड़ में आग लगी और वहां फसल बीमा का लाभ नहीं मिला और उनको बहकाने फुसलाने के लिए आप लोगों ने क्या ये मंडी समिति से थोड़े थोड़े पैसे दे करके उनको बहलाने का काम किया है, जो बड़ा ही दुखदाई है। बता दो, मैं केवल पूछना चाहता हूं, बीमा आग में आती नहीं, फसल में बताओ ना। मैंने आग्रह किया पहले ही कि मैं तो सीधा प्राकृतिक आग नहीं आती, मैं नहीं सारे प्राकृतिक कारण जिसमें प्राकृतिक कारण जितने भी प्राकृतिक कारण सब के सब कवर्ड है माननीय सभापति महोदय। प्राकृतिक कारणों से अगर लगेगी आग तो आग भी कवर्ड है, उसमें क्या दिक्कत। जी के पड़वी जी के पड़वी नहीं है ना सर, भाई कौन नहीं है सर, भाई कौन, ओके सर, सर आई वांट टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट द
there are thousands of farmers in Nandurbar district which live in a forest area and mountain area, mountain region. They have not been able to get the benefit of PM Fasal Bima Yojana because the photo has to be uploaded within 48 hours. And unfortunately, there are some network problems, there are internet problems. So therefore, the photo is not uploaded. Sir, how do you want to tackle this issue, sir? Because it's a very big issue, not just for this Yojana, for any other Yojana of your government, that they have to connect to the internet. So internet facilities are not there. So yes, the problem is always pending, sir. So how do you try to tackle this issue, sir? Thank you. Maniya Adhyaksh Mahoday, jaisa maine kaha ki humne DG Claim ke naam se ek portal banaya hua hai aur kisan agar kisi karan unko laabh nahi mil raha to wo shikayat karte hain to shikayat ki prabhavi monitoring ki vyavastha hai. अगर नेट की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करने का हम प्रयत्न करेंगे. कुशवाहा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 2016 से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से ऋणी किसान कितने थे, बीमित किसान कितने थे और सकल बीमित राशि कितनी थी? नहीं, माननीय सदस्य, आजकल एक सदन को अवगत हो जाना चाहिए कि बीमा जो है वह कराना स्वेच्छा से किसान के ऊपर निर्भर करता है. किसान चाहे तो बीमा कराए, चाहे तो नहीं कराए. ये जानकारी कई बार मैं जाता हूँ तो लोगों को पता नहीं होता कि बीमा कराना कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं. बता दें, आप एक डिटेल बता दें इसकी, फसल बीमा की. जब पुरानी फसल बीमा योजना थी उस समय जो बैंक का ऋणी रहता था उसको उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम की राशि थी बैंक अपने आप काट लेता था. सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया कि अपनी मर्जी है तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराएं. जबरदस्ती इस योजना में बिल्कुल नहीं है. पहले अलोनी अरणी किसान बीमा नहीं करवाता था लेकिन अब वो भी चाहे तो बीमा करवा सकता है. और माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आज तक कितना क्षेत्र कवर हुआ है. मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब तक इसमें जो क्षेत्र कवर हुआ है वो 5,01,000 हेक्टर कवर हुआ है, बढ़ के 2023 में 5,98,000 हेक्टर हो गया और किसान 3,97,00,000 कवर हुए हैं. निरंतर ये फसल बीमा योजना किसान अपनाने का काम कर रहे हैं और योजनाओं को सरल बनाने के अनेकों उपाय सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किए हैं जिसके कारण योजना का लाभ लेने में किसान को दिक्कत और परेशानी ना हो. श्री कौशलेंद्र कुमार. पूरक प्रश्न पूछने के लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा देश में किसानों को लाभदायक योजना माना जाता है. आकस्मिक फसल नुकसान की भरपाई भी होती है लेकिन हमारे राज्य बिहार में किसान फसल बीमा की प्रीमियम अन्य राज्यों से 3 गुना ज़्यादा है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा बिहार में प्रीमियम जो है तर्कसंगत बनाया जाए. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अलग अलग 3 मॉडल हैं और उस मॉडल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है. राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे उस मॉडल को चुनती है. और जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर, क्योंकि कई बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र की भी और सार्वजनिक क्षेत्र की, फसल बीमा योजना
लागू करने का काम करती है। और ये फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है, जो राज्य अपनाना चाहे अपनाए, जो राज्य नहीं अपनाना चाहे नहीं अपनाए। बिहार ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जो योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है, उसको अपने यहाँ लागू नहीं किया है। बिहार की एक अपनी योजना है राज्य की, तो वो उस योजना के हिसाब से अपने किसान को लाभान्वित करते हैं। श्रीमती के कनिमोजी। थैंक यू सर। सर, द स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर एंड इट्स रिपोर्ट ऑन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड एवल्यूशन ऑन 10th August 2021 हैज हाईलाइटेड सेवरल की इश्यूज एंड इंक्लूडिंग इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इट्स मेंशनड इज डिलेज इन सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम्स बाय द फार्मर्स एंड देयर आर इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड process also to get the claims and for example my constituency Thoothukudi during December 2023 we had unprecedented floods and many of the farmers have insured their crops but even after 7 months they have not got the money to get from the insurance and they're still waiting. And in your reply, the minister has said that they do not plan, there's no proposal for constituting a committee of experts on simplification of the rules on crop insurance. Will the minister reconsider that? Because it is quite complicated, because it has to be district-wise. Unless crop failure is district-wise, sometimes they do not give insurance. It's very complicated. So to simplify it further, will they consider constituting a committee? And also, I'd like the minister to reply about Thoothukudi farmers also. Thank you, sir. Very good, very good. Very good question. Mananiya Adhyaksha Mahoday, yojana pure desh ke har jile ke har kisan ke liye hai. योजना की इकाई भी पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था, अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। जो पहले की योजनाओं में कमियां थी वो हमने दूर करने का काम किया और इसके साथ हर ग्राम पंचायत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कम से कम 4 किए जाएंगे ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पर 12% की पेनाल्टी लगेगी जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लेकिन एक पहले एक और व्यवस्था थी
कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंग कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए। और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा। जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। हरिंदर मल्लिक जी, आप एकदम क्यों उठ गए? मुझे बुला तो पहले उठ गए थे आप तो। मानवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी इस सम्मानित सदन में कहा कि ये बीमा योजना स्वैच्छिक है। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज हर किसान कर्जबंद है, सबके पास केसीसी है और केसीसी जो बैंक करता है वो तुरंत फसल का बीमा करता है, नंबर एक। नंबर दो, जो आप क्लेम देते हैं, जो लागत मूल्य है किसान की फसल का, क्या उसके समकक्ष है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान होता है उतना क्लेम दिया जाता है, समकक्ष का सवाल इसमें क्या है? नुकसान के आधार पर क्लेम का भुगतान होता है। केसीसी का काटना ये भी बता दे। नहीं, ये इस योजना में पहले था, अब नहीं है। किसान की इच्छा के ऊपर है कि वो बीमा करवाए या ना करवाए, जबरदस्ती कोई क्लेम